आज के इस नए वीडियो में एक और ट्रिक लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए, जिसमें आप अमेजन पे बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था 1.6% चार्ज लगा था। वो वीडियो भी अभी काम कर रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके बताए लेकिन कोई तरीका किसी को पसंद आता है, कोई तरीका किसी को पसंद आता है। आज आपके लिए एक और नया तरीका लेके आ चुका हूँ जिससे आप अमेजन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात आती है कि चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर आपको लगता है तो पूरा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप करके यहाँ से जा सकते हो। देखो, यहाँ पे पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, चार्ज लगेगा, बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर नहीं होगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे, इंस्टेंट आएगा नहीं आएगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अमेजन पे बैलेंस में अभी मेरा बैलेंस अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पर अगर आप मेरा बैलेंस चेक करेंगे तो फिलहाल के लिए 9,967 रुपये का बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है। चलो, आपके सामने कुछ एक बेसिक अमाउंट आपके सामने ट्रांसफर करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च करेंगे गूगल पे, आपको सर्च करना है सेफ गोल्ड। आप में से कुछ व्यूअर होंगे जो शायद इसके बारे में जानते होंगे। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेफ गोल्ड वाले बटन पे, और यहाँ पे चलता हूँ, मेरा प्रोफाइल में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला मेरा प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है और नितेश के नाम से ये दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो योर प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करके आप सभी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, क्या क्या आपके पास गोल्ड पड़ा है, कितना पड़ा है, कैसे खरीदा है। वो होम वाले बटन पे चलते हैं सबसे पहले अपन। होम वाले बटन पे जाने के बाद देखो, पहले ही बता दूँ, पहले आप मिनिमम अमाउंट से खरीदिएगा, 100, 200, 300, मतलब ताकि अगर ये बाद में काम करना भी बंद कर दे तो आपका पैसा एक तरह से सेफ रहे। हमेशा बोलता हूँ कि पहले कम अमाउंट से ट्राई करिएगा। एंड चाहते हैं सारे अपडेट्स आपको पता लगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इनके टेक्निकल गुरु के नाम से। बात करते हैं अभी कितने रुपए का गोल्ड मेरे पास पड़ा है। मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ से गोल्ड खरीदा था, मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन भी दिखाऊंगा और आपके सामने अभी दोबारा से भी खरीदूंगा। मैं जब इस यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे बाय वाले बटन पे जाता हूँ है ना, तो नीचे आपको कुछ ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलेंगे, क्या मेरे कितने कितने गोल्ड मैंने खरीदे ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पे। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कब कितने रुपए का गोल्ड खरीदा था, और अब अभी मैं यहाँ पे सेल करके दिखाने वाला हूँ, और सेल करने के साथ साथ बाय भी दोबारा से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अपन चलते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे, देखो इस एप्लीकेशन को मैं आज से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि मैं इस वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने 23 तारीख को बाय किया था, 23, 22, यानी कि 2-4 दिन पहले, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैंने 100 रुपये का गोल्ड खरीदा था। ठीक है, उसके अलावा चलें आगे, आपको दिखाते हैं और दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, नीचे आएंगे, कब से यूज़ कर रहा हूँ, कब से यूज़ कर रहा हूँ, आप चेक करते रहिए नीचे, कितने ट्रांजेक्शन मैंने इस एप्लीकेशन से करे हैं, इस साइट से करे हैं सेफ गोल्ड के थ्रू। और नीचे लास्ट तक चलते हैं तो भैया आप देखेंगे तो 2018 तक 17 से भी मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं। चेक कर सकते हैं डेट, किस डेट को मैंने बाय किया था। 2017 में गोल्ड का प्राइस कितना था, 2,000 रुपये में मुझे 0.65 मिल गया था। ठीक है, देख रहे हैं 2017 की रेट है ये सब चीज़ें। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और चलते हैं, ये सारी जगह का मुझे सारा समरी दिखाएगा। तो लगभग 2017 सबसे पहला प्राइस था यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जहाँ से भी आप गोल्ड खरीदते हो सभी चीज़ों के यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अभी मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है, जिस जितने रुपये का पड़ा है उसे मैं फटाफट से सेल करता हूँ, और आपके सामने अभी वाई भी करके दिखाऊंगा दोबारा से, और सेल भी करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले एक बार के लिए सेल कर देता हूँ जो अमाउंट पड़ा है, और फिर बात करेंगे वापस से बाय करने की। बाय भी आपके सामने करके दिखाऊंगा, सेल करने के लिए मेरे पास अमाउंट कितना पड़ा है, 0.0178। तो सिंपली मैं ग्राम पे बटन पे क्लिक किया, 0.0178। ठीक है, अभी कितने रुपए का खरीदा था मैंने, यहीं पे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना। तो मैंने यहाँ पे खरीदा था 100 रुपये का, और 100 रुपये पे लगभग मुझे 92 रुपीज़ मिलेंगे। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, यहाँ पर आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। जब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मेरा अकाउंट डिटेल वगैरह मैंने यहाँ पे डाल रखी है, और सिंपली प्रोसीड पे बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करूँगा, मोस्टली केस में जो पैसा है वो इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। योर सेल रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड 25 तारीख को, यानी कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मेरी सेल रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर रिसीव कर ली है। अब बात करते हैं बाय करने की। अभी दिखाऊंगा आपको ये पैसा मेरे पास आया है या नहीं आया, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं 100 रुपये का यहाँ पे गोल्ड खरीदने जाता हूँ, वापस से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अमेजन वाला ऑप्शन आता है या नहीं आता, कहाँ से कैसे खरीदना है, सिंपली 100 रुपये का जब गोल्ड खरीदने जाएंगे तो अभी 5 मिनट तक यही रेट रहने वाली है, और कुछ GST का अमाउंट कटेगा। प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मोस्टली जितने भी लीडिंग वॉलेट्स हैं वो सभी वॉलेट्स आपको दिखेंगे। मैं अमेजन पे पर टैप कर देता हूँ और नीचे जाके कन्फर्म पे बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म वाले बटन पे क्लिक किया,
थोड़ा सा कुछ यहाँ पे प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस लेने के बाद अमेज़न पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। आपने मेरा बैलेंस स्टार्टिंग में देखा होगा, सिंपली मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया, आप देखेंगे सिंपली मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला और मेरे अमेज़न अकाउंट से यहाँ पर 100 रुपये कट चुके हैं। 100 रुपये का गोल्ड मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। अभी होम वाले सेक्शन में चलूँगा फिर से, तो आपको देखने को मिलेगा मेरे पास जो गोल्ड अवेलेबल है वापस से, इतने ग्राम का मेरे पास गोल्ड अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं फिर से इसे सेल कर दूंगा। सेल जो है वो इंस्टेंट नहीं होगा, पूरे 48 घंटे के बाद होगा, मतलब 2 दिन के बाद आप इसे सेल कर पाएंगे। और सेल करने के बाद पैसा इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। मैं चलता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट नहीं आता, सॉरी, कभी कभी इनका इंस्टेंट आ जाता है और कभी कभी कुछ टाइम बाद आ जाएगा, बट डेफिनेटली 100% आपको पैसा मिल जाएगा। अमेजन में चलता हूँ, ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पर दिखा देता हूँ। मैंने जो एक ट्रांजेक्शन किया था 23 तारीख को, फिर से एक ट्रांजेक्शन मैंने किया है यहाँ पर 25 तारीख को। कुछ ही देर में पैसा मुझे रिसीव हो जाएगा, और पैसा जो है मैंने जो भी पेटीएम अपना लिंक किया था उस पेटीएम अकाउंट पे मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा। देखो मोस्टली केस में ये इंस्टेंट रिसीव हो जाता है, बट कभी कभी यहाँ पे जो पैसा है वो मेरे दोनों अकाउंट पे मैंने चेक कर लिया, किसी पे भी नहीं आया। जो मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट दिया था उस पर फिलहाल पैसा अभी आया नहीं है, बट 100% श्योरिटी है। और मैं पहले भी इसे काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, इसीलिए आप सभी लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड अगर आपके पास पैसा है तो पहला तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसे अमेज़न पे यूज़ कर सकते हैं। यार अमेज़न पे बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी का बिल पेमेंट कर दो, अड़ोसी पड़ोसी का बिजली का बिल पेमेंट कर दो, उसको 10-20 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो वो तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बाय, मैंने बाय कर लिया। फिर से मैं जब इसे सेल करने जाऊँगा, अभी अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो ये सेल नहीं होगा, मुझे बोलेगा कि भैया आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, 2 दिन के बाद ही आप इसे सेल कर पाएंगे। मैं जैसे सेल इन ग्राम पे लिखता हूँ इस बार, तो इस बार मेरा अमाउंट कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि गोल्ड की रेट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैंने जैसे डाला 0.0181, ठीक है। अब की बार मुझे कितने रुपए दिखा रहा है, 93.29, यानी कि लगभग 7 रुपए के आसपास का पैसा मेरा कट रहा है। लेकिन जब मैं 2 दिन बाद सेल करूंगा उससे मैं अगर प्राइस और ऊपर गया तो हो सकता है ये 94 हो जाए, हो सकता है 92 ही हो जाए। तो ऑलमोस्ट आप अगर 100 रुपये का गोल्ड सेल करेंगे, बाय करके सेल करेंगे और अमेजन से पेमेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, लगभग आपको 8 रुपये का अमाउंट 100 रुपये पर देना पड़ेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे भैया गोल्ड को मेरे को अमेज़न में पैसा पड़ा है उसको निकालना है, क्या करें। तो मेरा काम है आप तक ही पहुंचाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। टू बी होनेस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर बनाने का। वीडियो हो सकता है आप किसी भी टाइम पर देख रहे हो, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम हो रहा है 25 अप्रैल, तो हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो। हमेशा रिकमेंड करता हूँ पहले छोटे अमाउंट से ट्राई कीजिएगा, बाद में आप बड़े अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।